देवता प्रकृति सबकी पूजा करते हैं और आज दुख के सूर्य को सब अर्घ दे रहे हैं। इसमें आया हूँ मैं, सभी हमारे जो छठ पूजा में शामिल है भक्तजन सभी को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और भगवान छठी मैया उनको खूब आशीर्वाद दे, उनके परिवार में समृद्धि आए। मैम बताएंगे छठ पूजा में आज आपकी ड्यूटी लगी है यहाँ पे, कैसी व्यवस्था थी पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ? वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार सभी घाट जहाँ पे छठ पूजा होनी थी वहाँ सभी जगह पुलिस बल तैनात किया गया था, सभी जगह अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इसके साथ साथ में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सभी जगह गोताखोरों को भी लगाया गया था, वहाँ पे सभी जगह गोताखोर प्रेजेंट थे और माइक से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि सभी मास्क पहन के रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे, एक परिवार से तीन लोगों से अधिक लोग पूजा में सम्मिलित नहीं होंगे और बच्चों और बूढ़ों को अवॉइड करेंगे यहाँ पूजा के समय लेके आना, भीड़ भाड़ वाली जगह पे उनको लेके नहीं आएंगे, ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी। मैम गोताखोरों की भी व्यवस्था आप लोगों के द्वारा यहाँ पे करवाई गई थी? हाँ, सभी जगह पर जहाँ जहाँ छठ पूजा होनी थी उन सभी घाटों पे गोताखोरों की व्यवस्था करवाई गई थी, इनको रखा था पुलिस पार्टी ने अपने साथ में और जहाँ पे भी मतलब जरूरत पड़ेगी वहाँ उनको यूज किया जाएगा। थैंक यू मैम। सभी रायगढ़ वासियों को रायगढ़ पुलिस परिवार की तरफ से छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। भैया आपका परिचय बताइए पहले। मैं गोपाल सिंह, जूट मिल से। बताएंगे भैया छठ पूजा में आप आए हैं और ये पूजा कैसे की जाती है? जी, जैसे कि आपको पता होगा कि दिवाली के 6 दिन के बाद ये जो हमारा छठ पर्व है उसको मनाया जाता है। इसमें सूर्य भगवान को उनका पूजा करते हैं, सूर्य भगवान का, और बहुत सारे लोग जो जिनका कोई रोग बीमारी होता है या कोई जिनका बच्चा नहीं होता रहता या कुछ भी जिनके मन में जो मन में उनके कामना रहता ना वो लेके छठी मैया के पास आता है तो छठी मैया उसका मनोकामना जरूर पूर्ण करती है। मतलब दिवाली के 6 दिन बाद मतलब ये पूजा होती है, इसी के लिए छठी मैया के नाम से जाना जाता है, ऐसा है? हाँ, ये जो है 6 दिन के बाद दिवाली के होता है और 6वें दिन पड़ता है, इसलिए छठी मैया के नाम से इस पर्व को पूरे भारत वर्ष में सूर्यदेव में जल बल भी चढ़ाया जाता है। जी, सुबह सूर्य को अर्घ देके और ये इसका व्रत जो होता है वो 3 दिनों का व्रत होता है। जी, और छठी मैया इसमें मनोकामना पूर्ण कर ही देती है और कई जो जिनके मनोकामना रहती है वो तो पानी में रात को 3 बजे से खड़े होकर सूर्य भगवान की उपासना करते हैं और सूर्य जब तक उगता नहीं है तब तक जल नहीं देते हैं और जैसे ही सूर्य उगता है उनको अर्घ देने के बाद वो अपना जो पारण है वो करते हैं। अच्छा, आप हर साल मतलब भरने आते हैं यहाँ पे? सुपर हर साल लगभग मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैं यहाँ कर रहा हूँ और हमारे आने वाले मतलब जो पूछते थे हमारे बाप दादा वो लोग करते हुए आ रहे हैं। कितनी मनोकामना पूरी करवा ली अब तक हमारे घर में? तो मनोकामना ऐसा नहीं है कि पूरा हो, लेकिन हम लोग बिना मनोकामना के हमारे तो छठी मैया हर काम पूरा कर दिए, फिर भी हम लोग अपने दिल से खुशी से ना हर साल छठ मैया का पूजा करते हैं। बहुत बढ़िया भैया, बधाई हो आपको लोगों को छठ पूजा की।